नाम लेते हो बाबा साहब की संस्था, काम करते हो उनके दुश्मन का, और तुमको शर्म नहीं आती? फरवरी 2021 यूं तो वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है, और मोहब्बत तो नेचुरल चीज है। मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि 14 फरवरी का 2021 का सेकंड संडे है, यानी दूसरा संडे है। और दिल्ली के अंदर पिछले 25-26 साल से हर दूसरे संडे को एक परंपरा है कि बुद्धिस्ट लोग, बाबा साहब अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाया है और उसकी संस्था यानी भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं, वो अपने परिवार के साथ सभी जो बुद्धा पार्क है राष्ट्रपति भवन के साथ में, वहां जाते हैं और वहां पिकनिक मनाते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं। इसको बौद्ध परिवार मिलन के नाम से जानते हैं। ये अच्छा खासा चल रहा था, फिर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लोगों की एक खास बात है कि उनको टूटना आता है, जोड़ना नहीं आता, जुड़ना नहीं आता। तो उन्होंने बाबा साहब की संस्थाओं के भी खूब सारे टुकड़े किए, भारतीय बौद्ध महासभा के भी टुकड़े खूब सारे किए, बाबा साहब के भी टुकड़े किए, उनके विचारों के भी टुकड़े किए, और भगवान बुद्ध के तो बहुत सारे टुकड़े किए ही, धर्म की अलग अलग शाखाएं बनाकर। सभी वहां नेतागिरी करते हैं, सभी वहां प्रधान बने हुए डटे बैठे हैं, मतलब धर्म में भी प्रधानी छोड़ी नहीं है। अकल का तो खैर पता नहीं उनकी कहां है कहानी, और बुद्धिस्ट कैसे हैं, कैसे बुद्धिस्ट हैं, कैसे बुद्ध को मानने वाले हैं, ये तो बुद्ध भी नहीं बता सकते, क्योंकि बुद्ध को मानने वाला संस्थाओं को जोड़ेगा या तोड़ेगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मुझे एक सज्जन का फोन आया जो एक संस्था के प्रधान है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे बातचीत शुरू करने के लिए यही कहा कि आप आए क्यों नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं थोड़ा शर्मदार आदमी हूं, मुझे शर्म आती है कि बाबा साहब की संस्था दो टुकड़ों में बटी हुई और दोनों अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, एक बुद्धा गार्डन में करता है बुद्धा जयंती पार्क में, और दूसरा करता है जहां दिल्ली में स्तूप बना हुआ है, शांति स्तूप जहां बना हुआ है वहां पर करता है पिछले कुछ साल से। और मैंने लगातार अपील की है इनके सभी पदाधिकारियों से और सभी लोगों से कि भाई धम के टुकड़े मत करो, धम को बचा के रखो, कार्यक्रम को एक करो, अगर दो कार्यक्रम भी करने हैं तो अलग अलग डेट्स पे करो एक ही दिन, क्योंकि तुम डेढ़ तो लोग हो और डेढ़ लोग में भी तुम बढ़ जाते हो तो एक भी पूरा नहीं आता, पौना पौना ही रहता है, तो थोड़ी तो शर्म करो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं शर्मदार आदमी हूं, मुझे बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है कि धम के लोग अलग अलग कार्यक्रम लगाते हैं, एक ही जगह जिस दिन कार्यक्रम होगा मैं जरूर जाऊंगा। उनका उद्देश्य दरअसल ये पूछना था नहीं, उनका उद्देश्य कुछ और था। उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि इंजीनियर सुधीर ने कहीं ऐसी संस्था में पर्चे पे नाम आया है जिस संस्था में कहीं और मत के जो लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई है, तो वो ये कंफर्म करना चाहते थे क्या ये मेरा ही नाम है। तो मैंने उनसे कहा मैं उस संस्था को जानता भी नहीं, उसका पता नहीं जानता, और मैं कभी अपने नाम के पहले इंजीनियर लगाता भी नहीं। तो फिर उनसे आगे चर्चा हुई तो मैंने कहा कि आप एक क्यों नहीं हो जाते, आपको शर्म नहीं आती कि बाबा साहब की संस्था के टुकड़े करते हो और फिर बड़े गर्व से कहते हो कि ये बाबा साहब की संस्था है, और दूसरी संस्था को कहते हो कि वो बाबा साहब की नहीं है। अरे भाई जिसमें बाबा साहब का फोटो लगाया है संस्था तो सारी बाबा साहब की है, तुम चिल्लाते भी बाबा साहब हो, कहते भी बाबा साहब हो, आप जो तुम्हारे भाषण होते हैं उसमें 25 बार चिल्लाते हो एक बार एक सेंटेंस में, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने यो कहा, फिर बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना अगर मेरी संस्थाओं के टुकड़े करो तो, ये नहीं कहा बाबा साहब ने, बाबा साहब ने तुमको ये नहीं कहा कि संगठित रहो, तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि सबको संगठित रहना है। बाबा साहब ने कब कहा विघटित रहो, कब कहा विघटन करो, कब कहा टूटो, कब कहा ब्रेक होना है, कब कहा टूटना है, एक सेंटेंस तो बताओ उनका। नाम लेते हो बाबा साहब की संस्था, काम करते हो उनके दुश्मन का, और तुमको शर्म नहीं आती? तो वो मेरे पे आरोप लगाने लगे कि आपने संस्था बनाई है वीदा पिपली करके। मैंने कहा हमने कोई संस्था नहीं बनाई, हम तो कह रहे हैं सबको आप इकट्ठे हो जाओ, हम आपके साथ हैं, अलग अलग तो हम किसी के साथ भी नहीं है, हम अपने घर में ठीक हैं, तो आपकी संस्था बन जाएगी। अरे भाई आप जब बनेगी बन जाएगी, आप अपनी संस्था को जस्टिफाई करो या अपने आप कर रहे हो, आप अपना देखो कि आपने जो संस्था बना रखी है वो अलग अलग क्यों है क्यों नहीं है। आप आरोप प्रत्यारोप में मत जाओ, आप ही देखोगे आपका जो काम है वो काम ठीक है या नहीं है,
क्या समाज का फायदा उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चूंकि आप प्रधान हो तो आपको तो मैं कहूंगा आपको तो लालच है प्रधानी का, मुझे तो शर्म उन पे आती है जो आपका साथ देते हैं और उन लोगों पे आती है जो आपके साथ जाते हैं। अरे कैसे लोग हो, बाबा साहब की संस्था के टुकड़े हो गए और तुमने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाओ कि बाबा साहब की संस्था को टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर कोई आदमी अच्छा नहीं है तो उसको दुनिया को बताओ कि आदमी अच्छा नहीं है। कुछ आदमी अच्छे नहीं है तो कुछ के बारे में बताओ, उनका प्रचार करो, इस आदमी ने पैसा खाया नहीं खाया, काम किया नहीं किया, धर्म का आदमी है या नहीं है, व्यवचार करता है या नहीं है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलता है या नहीं चलता है, या नेता बनने के फिराक में है या नहीं है, ये बातें बताओ लोगों को ताकि पता चले। मगर टुकड़े क्यों करते हो, क्योंकि तुम दोनों ही चोर हो, तुम तीनों ही चोर हो, तुम सारे चोर हो, इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई नहीं करते। क्योंकि अगर तुम उसका कुछ उंगली उठाओगे तो वो तुम्हारी तरफ दो उंगली उठा देगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो धर्म का कुछ जानते नहीं हो, फिर तुम उठाओगे। तो अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी बुराई छुपाने के लिए तुम कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में कहते नहीं, और ऊपर से क्या कहते हो, देखो जी हम क्यों बुराई करें उनकी। अरे तुम क्यों बुराई करोगे, तुम बुराई करोगे वो तुम्हारा ढोल फाड़ देगा। तो तुम सब आपस में इकट्ठे हो जाओ, किसी बुराई करनी ना पड़े, सब इकट्ठे रहो तो कम से कम हमारे जैसे लोगों के फायदे की तो सोचो। बाबा साहब ने कहा संगठित होना है, संगठित होना है तो संगठन में फायदा है। तुमने भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े किए, अगर सब कुछ ठीक है तो भारतीय बौद्ध महासभा काम बहुत ज्यादा फैल जाना चाहिए था। अभी तो मेंबरशिप का ही पता नहीं है, कितनी मेंबरशिप है, कहाँ है, कितने परिवार हैं। अगर पूरा लेखा जोखा उठाओगे तो पता चलोगे कि जहां से चले थे वहीं खड़े हो, आगे बढ़े नहीं बल्कि और कम हो गए। पहले जो कारवा बड़ा था अब वो कारवा और छोटा हो गया, पहले जितने मेंबरशिप थी और मेंबरशिप कम हो गई, और टुकड़ों में टूट गए हो तो वैसे ही और कम हो गया है। किताबें बंद हो गई, छपनी बंद हो गई, लिखनी बंद हो गई, मीटिंगें बंद हो गई, धर्म का काम बंद हो गया, क्या फॉर्मेलिटी रह गई है, सिर्फ एक बुद्ध पूर्णिमा की फॉर्मेलिटी रह गई है, उसमें मजबूरन दो चार पैसे इकट्ठे करके अपना नाम दिखाने के लिए उसको कर लेते हो, या एक बहुत परिवार मिलन है, बाकी सब तो टाइम डेफिस है, बंदी हो गया, खत्म ही हो गया। जो कार्यक्रम 365 दिन और 24 घंटे चलना चाहिए वो कार्यक्रम सिर्फ साल में दो चार घंटे का रह गया, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। जो बुद्ध विहार 24 घंटे खुलना चाहिए वो साल में 24 घंटे नहीं खुलता, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। और अगर नहीं शर्म आती है तो ये कुर्सी है छोड़ दो इसको, और बिल्कुल ही बेशरम बन रहे हो तो फिर डिक्लेयर तो करो, फिर बाबा साहब का नाम लेना बंद करो। हमारा नुकसान क्यों करते हो, पूरे धर्म का नुकसान कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, थोड़ी तो शर्म करो भाई, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। जिस बाबा साहब का नाम लेते हो रात को कैसे सो जाते हो कि हमने कितना झूठ बोला और कितना बाबा साहब को धोखा दिया और कितने बाबा साहब की पीठ में छुरे मारे, कैसे नींद आ जाती है तुमको, कैसे तुम पदाधिकारी हो, कैसे बाबा साहब के अनुयायी हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। Thank you.